दोस्तों नमस्ते, आई होप योर प्रिपरेशन फॉर द एप्लीकेशन इज गोइंग वेरी वेल। इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू अरेंज द डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू लेबल द डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज वेयर टू डू सिग्नेचर एंड हाउ टू मेक द कंप्लीट एनवेलप। अ क्विक PMI, नीदर आई एम अ GKS स्कॉलर नॉर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर GKS UG। आई जस्ट नो अबाउट द GKS गाइडलाइंस प्रोसेस एंड हाउ टू अरेंज एवरीथिंग, सो आई ट्राई टू हेल्प स्टूडेंट्स with their basic doubts and questions. So here we go. Hi guys, the purpose of me making this video is quite different. It can be anything, right? So in today's video, I'm going to show you like how I'm going to arrange my documents for university time, GKS Global Korean Scholarship. The day before, I'm arranging the documents. Let's see how I'm going to arrange the documents, how I'm going to label the documents and everything. Hopefully this video will be helpful for you. For now, today, for now, we are going to arrange the documents. Okay. So for the purpose of making this video, what I did, I just print out all the forms, and it will be very difficult to show you how to arrange the documents without the document. For giving you an example, I just print out everything and now I am going to arrange them. सो इसके लिए आपको ना कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पेपर क्लिप्स, इसको यूपिन भी बोलते हैं। स्टेपलर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है आप स्टेपलर यूज़ नहीं करें। आप ये पेपर क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं, गुड क्वालिटी पेपर क्लिप यूज़ करें। उसके अलावा मैंने यहाँ पे सारे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है एग्जांपल फॉर्म में जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे प्रिंट आउट करके इसमें रख लिए। इसके अलावा मैंने लेवलिंग के लिए एक अलग से प्रिंट आउट कराया था, इसका मैं फ़ोटो डालती हूँ, आप इसको चेक कर लीजिए। लेबलिंग के लिए आप स्टिकी नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं और स्टिकी नोट्स बहुत बड़े थे मेरे पेपर साइज़ के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसको इस तरीके से प्रिंट करा लिया। आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट ये मुझे अच्छा आइडिया लगा। इसमें मैंने फॉर्म नंबर मेंशन किया है और वो क्या चीज़ है उसको भी मेंशन किया है। इसके बाद मैंने इसको कट करके राइट हैंड कॉर्नर पर पेस्ट कर दिया है, ज़्यादा ग्लू नहीं, हल्का सा ग्लू दोनों कॉर्नर पर लगाकर। एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है चेकलिस्ट, सबसे पहले जाता है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट को आपको प्रिंट कराना है, उसके बाद बॉल पेन की हेल्प से इसमें सारे चेक करना है। चेकलिस्ट को आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है। इसके बाद मैंने ये सारे फॉर्म्स लाइन से प्रिंट कराए हैं, तो आप इसको देखिए। सेकेंडरी फॉर्म या थर्ड फॉर्म में आपको फोटोग्राफ चिपकाने के लिए स्पेस मिल जाएगा, उसमें आपको एक रीसेंट फ़ोटो चिपकानी है। जस्ट टू शो यू फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक फ़ोटोग्राफ उस पर चिपका दिया है। यहाँ पर मैं फॉर्म नंबर 1 अरेंज कर रही हूँ, जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म। सो चेकलिस्ट के बाद हमको एप्लीकेशन फॉर्म रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म में 3 पेजेस हैं, जिसमें हमने फोटोग्राफ पेस्ट किया था, अपना GPA लिखा था, ट्रैक चूज़ किया था वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैंने एक यूपिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर दिया, ये है फॉर्म नंबर 1। सिमिलरली फॉर्म नंबर 1 के बाद आपको फॉर्म नंबर 2, जो कि पर्सनल स्टेटमेंट है, उसको लगा देना है। पर्सनल स्टेटमेंट में 2 पेजेस होते हैं, तो मैंने 2 पेजेस को लिया और उस पर एक यूपिन लगा दी। फॉर्म नंबर 3 है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान आपका 3 पेजेस का होता है, तो सिमिलरली जैसे पर्सनल स्टेटमेंट में किया वैसे हम स्टडी प्लान में करेंगे, 3 पेजेस को यूपिन की हेल्प से लगा देंगे। फॉर्म नंबर 3 के बाद आता है फॉर्म नंबर 4, जो कि LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, जो आपका टीचर देगा, वो अलग ही एनवेलप में रहेगा, तो आप उसको अलग रखिए। इसके बाद आता है फॉर्म नंबर 5 और 6, जो कि है GKS एग्रीमेंट और पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। तो देखो यहाँ पे मैंने उनको भी अरेंज कर लिया। लेबलिंग और डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट मैंने कुछ ऐसे किया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फॉर्म नंबर प्रिंट कराने में मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो आप इन बातों का खास ध्यान रखें। आगे के डॉक्यूमेंट्स हमको चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। हमने फॉर्म नंबर 6 तक सब कुछ अरेंज कर लिया है। फॉर्म नंबर 7 है, वो है 7 है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेंट्स एंड पेरेंट्स एंड प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। ये वाला डॉक्यूमेंट आपको अपोस्टाइल करके रखना है। इसके बाद आपको अपने हाई स्कूल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट रखना है। 9 नंबर पर आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट या फिर आप मार्कशीट्स दे रहे हैं तो मार्कशीट्स को रखना है। तो 6 के बाद 7, 8, 9, आई थिंक 9 तक सब क्लियर हो चुका है। 10, 11, 12, 13 और 14 कुछ ही एप्लीकेंट्स के लिए नेसेसरी है, जो कि एसोसिएट डिग्री से अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो प्रूफ ऑफ ओवरसी कोरियन का डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं तो चेकलिस्ट में आपको नो पर चेक करना है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये फॉर्म आपको अरेंज करके दिखा दिया है, इस तरीके से लेबलिंग की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ये पैटर्न फॉलो करिए, बट एज इन फॉर एग्जाम्पल फॉर्म मैंने आपको ये दिखाया है। यहाँ मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना बता रही हूँ, एम्बेसी के लिए भी मैं आपको एक छोटी सी गाइडलाइन में दे दूँगी। जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप चाहे तो ऐसी एक क्लियर फाइल का यूज़ कर सकते हैं जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रख कर आप फिर इसको एनवेलप में पैक कर सकते हैं।
इस टाइप की फ़ाइल यूज़ करना या फिर यूपिन का यूज़ करना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। आप चाहे तो ये फ़ाइल का यूज़ करना आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हर डॉक्यूमेंट के बाद, हर फॉर्म के बाद एक यूपिन का यूज़ करके उसको सिक्योर किया है। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लें और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को एनवलप में डालकर यूनिवर्सिटी या फिर एम्बेसी को सेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिग्नेचर कहाँ कहाँ करना है। पहला सिग्नेचर होता है एप्लीकेशन फॉर्म के एंड में, सेकंड सिग्नेचर होता है पर्सनल स्टेटमेंट के बाद, और थर्ड सिग्नेचर होता है स्टडी प्लान के बाद, फोर्थ और फिफ्थ सिग्नेचर जीके स्टेटमेंट और पर्सनल मेडिकल असेसमेंट के बाद होता है। सो दिस इज़ माई वे ऑफ अरेंजिंग द डॉक्यूमेंट। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट नंबर 15 पर, अगर आपके पास टॉपिक आइल्स या फिर कोई भी लैंग्वेज प्रोफेसिएंसी के स्कोर्स हैं तो आप वो लगा सकते हैं। नंबर 16 में आप अवार्ड और सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। सिंपल फोटोकॉपी ही लगाना है। जो भी आप अपने एसे में मेंशन कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड अवार्ड और सर्टिफिकेट की कॉपी ज़रूर लगाएं। मैंने एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू, ये एग्जांपल फॉर्म था, इसके थ्रू मैंने आपको बताया है कि अरेंज आप कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और लेबल कैसे कर सकते हो, कहाँ कहाँ सिग्नेचर कर। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अरेंज कर दिए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ अरेंज करके एक बड़ा वाला क्लिप लगा रही हूँ ताकि ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ वहाँ मैच ना हो जाए। इसके बाद आपको सिंपली ये सारे डॉक्यूमेंट एक एनवलप में डालने हैं और एनवलप के ऊपर आप अपने यूनिवर्सिटी का एड्रेस प्रिंट करा के पेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप जिस सर्विसेज से भेजेंगे वो तो उस पर एड्रेस वगैरह डाल के ही देंगे। मैंने इसको एक क्लियर फाइल में भी डाल दिया है जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस। आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको ऐसी फाइल का यूज़ करना है। दिस जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू हाउ कैन यू अरेंज योर डॉक्यूमेंट्स। दिस इज़ द कम्प्लीट एनवेलप। अब हम बात करते हैं एम्बेसी ट्रैक के लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। तो आपको टोटल 4 सेट बनाना है, जिसमें से एक सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होगा और 3 सेट होंगे फोटोकॉपीज के। ओरिजिनल वाले सेट में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपोस्टाइल वाले होंगे, और जो फोटोकॉपी वाले सेट होंगे 3, उसमें आपके जो अपोस्टाइल होंगे उनकी फोटोकॉपीज ही रखी होंगी। एम्बेसी ट्रैक के लिए आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का जो एनवेलप होगा वो अलग से रखना है। टोटल हमारे पास 5 एनवेलप हो जाएंगे, एक होगा ओरिजिनल, 3 होंगे फोटोकॉपीज और एक एनवेलप होगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का। तो ये सारे 5 एनवेलप्स को हमको एक बड़े बिग एनवेलप में रखना है, फिर आप इसको एम्बेसी को सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन अरेंज डॉक्यूमेंट्स फॉर एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक एप्लीकेशन।